हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोना। नमस्ते, स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी चैनल सोना स्टाइल कॉर्नर में। तो आज का वीडियो होने वाला मीशो से, और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं शेयर करने वाली हूं कुछ ऑक्सोडज की ज्वेलरी आप लोगों के साथ, जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल तो है ही, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी भी दूंगी, और जो चीज अच्छी नहीं होगी उसको मैं मना कर दूंगी कि आप इसे मत बाय करना। इन सबका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इन सबका ट्रायल भी मैं यहाँ पे चला दूंगी साइड में, तो आप देख लेना। मैं आपको क्लोजअप लुक भी दे दूंगी ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि ये ज्वेलरी पहनने के बाद कैसे लगती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, करके रखा तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सुंदर से झुमके, जो मुझे बहुत पसंद आए हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में रिसीव हुए हैं, और प्लास्टिक के बॉक्स में अगर रिसीव होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि उसमें टूटने फूटने का डर नहीं रहता। जबकि मुझे अच्छे से ही रिसीव हुए, कुछ भी इसमें नुकसान नहीं हुआ है, मैंने खुल के देख लिया था तो। और इसके साथ है ना ये कुछ गिफ्ट मिला है मुझे, जिसे मैं यूज़ करूँगी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो इसके अंदर है ये शेल वाले ब्यूटीफुल से झुमके, ये देखिए बहुत ही सुंदर से है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, इस तरह से बबल रैप होकर आए थे ये झुमके, ये देखिए। तो ये साइज में काफी बड़े हैं, लेकिन इसका वेट है ना ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, सही है इसका वेट। और इस तरह से पूरे में आपको स्टड के एरिया में कौड़ी का वर्क मिलेगा, बीच में मिरर है, ओरिजिनल मिरर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा स्टोन का काम किया गया है पूरे में, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और नीचे है ये शेल, और मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये जो कौड़ी है ना ये साइज में थोड़ी सी बड़ी आएगी, बट ये थोड़ी छोटी साइज की कौड़ी है। हाँ, अगर बड़ी साइज की होती तो इसका लुक और अच्छा आता, बट हाँ ये है कि उसका वेट और बढ़ जाता, तो सही है। और ये जो कौड़ी है ना ये चिपकाए हुए नहीं है, यहाँ पीछे आप देख सकते हो तार से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो ये निकलेंगे नहीं, तो ये काफी मजबूत है। मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए, और इसका प्राइस अगर मैं बताऊँ तो ये 263 के मुझे पड़े हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इसका कोड मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना। मस्ट बाय झुमका है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लगा के बता देती हूँ, बाकी ट्रायल में आप देख लेना की ये पहनने के बाद कैसे लगते है। तो ये कुछ इस तरह से लगते है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगेन झुमका की, जो मैंने अभी पहन कर रखे हैं, और ये बहुत लाइट वेट है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो ये झुमके मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुए थे प्लास्टिक के बॉक्स में, इस तरह से बबल रैप होकर मुझे मिले थे, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप क्लोजअप लुक देख लेना साइड में, इसमें आपको ना पल का वर्क मिल जाएगा, मैं आपको निकाल के बताती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये है ना कुछ इस तरह के, यहाँ स्टड में आप देख सकते हो आपको मोती का काम मिल जाएगा, और यहाँ नीचे पर भी आप देख सकते हो मोतियाँ हैं, और इसमें कोई घुघरू नहीं है। जो लोग अवॉइड करते हैं घुघरू पहनना, कोई लोग नहीं पहनते मैंने देखा है, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही लाइट वेट है, प्लस दिखने में भी बहुत अच्छे है, एंड अफोर्डेबल तो है ही। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 252 के है, और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आप इसे 6 से 7 घंटे आराम से पहन सकते हो। इसमें मुझे सिर्फ एक शिकायत है कि यहाँ पे जो मोती है ना ये अगर पूरे में होते ना, पूरा भरा हुआ रहता तो ये और अच्छा लगता, और इसका वेट भी नहीं बढ़ता, क्योंकि ये मोतियों का कोई वर्क कोई वेट नहीं होता है। तो अगर ये पूरा ही भरा हुआ होता तो ये और अच्छा लगता, कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छे हैं। इसका भी कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी एक चोकर, इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, और अगर प्लास्टिक के बॉक्स ये लोग दे देते तो इनका क्या जाता, कोई बात नहीं, देखते हैं कि इसमें कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। तो इसमें कोई बबल रैप भी नहीं है, बस ऐसे ही एक सिंपल सी पन्नी में मुझे दे दिया है। अभी तक खोल कर लोग देखते हैं कि ये कैसा रिसीव हुआ है मुझे। तो ये कुछ इस तरह से है। इस चोकर को मैंने ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब जगह पर देखा था, लेकिन ये बहुत महंगा मिल रहा था वहाँ पर, और मीशो पे मुझे बहुत ही अच्छे बिल्कुल सही प्राइस में दिख गया, इसलिए मैंने इसको मीशो से मंगवाया, और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। तो ये कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हो ये मल्टी कलर चोकर है, इसे अफगानी चोकर भी बोलते हैं। हाँ, मैं आपको पहनकर इसे साइड में बता दूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और पूरा जो आप वर्क देख रहे हो ना ये मीनाकारी वर्क है, इसमें कोई मिरर वर्क नहीं।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरे मिरर हैं, बट ये पूरा मीनाकारी का वर्क है, आप देख सकते हो ध्यान से देखो। तो गाइस इसके साथ मुझे सिर्फ एक कान का ही रिसीव हुआ है, जबकि दो आने चाहिए बट मुझे सिर्फ एक कान का ही रिसीव हुआ है। कि इसमें अगर रियल मिरर का वर्क होता ना तो इसकी शाइन और भी अच्छी होती और इसका लुक भी और अच्छा होता, बट ठीक है इस प्राइस में आपको यही रिसीव होगा। इसका प्राइस है 311, हाँ 311 रुपए का है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही सुंदर सा चौकर है, अगर इसमें रियल मिरर का वर्क होता तो इसका प्राइस भी हाई हो जाता, वो आई थिंक 900-1100 यहाँ तक का आपको मिलता, बट कोई नहीं ये थोड़ा सिमिलर लुक है, काफी अच्छा लग रहा है। और इसको आप है ना लहंगे के साथ पहन सकते हो, साड़ी के साथ पहन सकते हो, और इसके अलावा आप कुछ इंडो वेस्टर्न पहन रहे हो तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप क्रॉप टॉप जीन्स और शर्ट पहना तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा लगेगा। ये आप देख सकते हो पूरे में दिए बने हुए हैं और पूरे में घुंघरू लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर है ना साइड में एक फोटो लगा दूंगी तो उसमें आप देखना ये काफी भरा हुआ दिखता है, बट ये है ना थोड़ा खाली खाली लग रहा है। आप यहाँ बीच बीच में देख पा रहे होंगे कि थोड़ा है ना स्पेस रह रहा है और इमेज में पूरा भरा हुआ दिखता है, बट कोई नहीं अच्छा लग रहा है, आप इसे बाय कर सकते हो। इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही सुंदर सा है। और इसके साथ इयररिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक मिला है, अब एक कौन पहनेगा। और पीछे आपको डोरी मिल जाएगी, इसकी लेंथ काफी अच्छी है, आप इसे थोड़ा लूज भी पहन सकते हो, थोड़ा टाइट पहनना चाहो तो वैसे भी पहन सकते हो। और इसके साथ मेरी ये रिंग काफी अच्छे से मैच हो रही है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। मैंने मीशो से बहुत ही सुंदर सुंदर से इयररिंग्स मंगवाए तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और अभी त्योहार आ रहा है तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से सारे वीडियो मिस हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत ही सुंदर वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। और मेरा इंस्टा हैंडल है sonagupta2photo, तो वहां पर भी फॉलो कर देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वाले माला की, ये है ना मटर माला भी इसे बोल सकते हैं। तो इस तरह के कार्डबोर्ड में मुझे रिसीव हुआ था ये, और ये भी है ना बबल रैप होकर मुझे मिला था, और इसका मैं आपको क्लोजअप लुक दे दूंगी यहाँ साइड में। तो ये कुछ इस तरह से, इसमें आपको 5 लेयर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लेयर है, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये है ना मोती जो है वो प्लास्टिक के नहीं है, मेटल के हैं, तो मेटल की इसके मोती हैं। इसकी लेंथ आप है ना और भी बड़ी कर सकते हो, बट मैंने इतना सा ही रखा है। इसका धागा जो है वो काफ़ी लंबा है तो आप और लंबाई से कर सकते हो, बट मुझे इतना ही चाहिए था। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पास में आके बताती हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ना इसकी फिनिशिंग देखिए आप, ये बहुत ही मतलब साफ सुथरा है, बहुत ही अच्छा है, ये क्लीन है, इसमें कोई दाग नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है ना दाग है, यहाँ पे साइड में मैं एक क्लोजअप दे दूंगी तो आप उसमें देख लेना, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर है ना एक दाग है और ये हल्का सा मुड़ा हुआ है। तो इसमें सिर्फ यही एक डिफेक्टिव पार्ट है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, बाकी ये बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, अफोर्डेबल है। इसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है 177, हाँ इतने का ही है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है, बाय करने जैसा है, और इसके साथ आपको कोई कान के नहीं मिलते, सिर्फ आपको ये मटर माला मिलती है। इस माला को आप है ना साड़ी के साथ पहन सकते हो, लहंगे के साथ पहन सकते हो, आपने कुछ इंडो वेस्टर्न पहना है तो आप उसके साथ भी पहन सकते हो, आपने कोई चिकनकारी कुर्ता पहना है तो उसके साथ भी आप इसे पहन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑक्सफोर्ड की ज्वेलरी ना ब्लैक कपड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है, बट ये व्हाइट कपड़ों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आज मैंने व्हाइट कलर का टॉप पहना है। मेरे पास कोई कुर्ती नहीं है व्हाइट कलर की, मतलब मेरे पास कहने को तो 4 कुर्तियां हैं, बट उसमें ना पूरे मतलब चारों चार कुर्ती में गोल्डन कलर का ही वर्क है, तो उसके साथ ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे टॉप पहनना पड़ा, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये व्हाइट कलर के साथ भी ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। उसमें भी अगर इस तरह की ज्वेलरी हो ना मल्टी कलर वाली तो वो और भी ज्यादा निखर के आती है व्हाइट कलर के साथ। तो मुझे ये सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये सारे अफोर्डेबल तो है ही, प्लस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इन सबका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रही है तो काफी लोगों को शॉपिंग करनी होगी, तो उन सबके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, तो जरूर से शेयर करना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की हिम्मत मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।